बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। और आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इस लेक्चर में वो है ग्रुप्स। अच्छा, डायरेक्टली ग्रुप्स पे जाने से पहले हमें जो है कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो उन टर्म्स का मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, तो उनके ऊपर हम फिर डिस्कशन करते हैं ग्रुप्स पे जाने से पहले, ठीक है। एक चीज़ है ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ये ग्रुपॉइड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रुपॉइड के बाद हम देखेंगे नॉन कम्यूटेटिव और नॉन एबेलियन सेट, ठीक है, नॉन कम्यूटेटिव या फिर इसे कहा जाता है नॉन एबेलियन सेट। अच्छा, उसके बाद हम मोनॉइड देखेंगे, मोनॉइड क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम फिर जंप करेंगे ग्रुप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम ग्रुप्स को स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर ही हमें जो है ग्रुप्स का यानी कि सही तरह से समझ आएगी। अच्छा, उसके अलावा इससे पहले हम जो है ग्रुप से पहले हम पढ़ चुके हैं, यानी कि इस लेक्चर से पहले हम जो है बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशंस अगर आपको क्लियर है तो ये आपको जो है लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा, अदरवाइज आपको ये मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो अगर तो आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर तो आप पहले वो लेक्चर बाइनरी ऑपरेशंस का जाकर रिवाइज करें, ठीक है। अच्छा, उस अब हम ये अज्यूम करते हैं कि आपको बाइनरी ऑपरेशंस बहुत यानी कि सही तरह से आते हैं। तो चलें अब हम ग्रुपॉइड को डिस्कस करने पे आते हैं। ग्रुपॉइड, अच्छा ग्रुपॉइड क्या होता है, ऐसे सेट्स होते हैं, यानी सेट्स आपको पता है ना क्या होता है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स को यानी कि ब्रैकेट्स में आप बंद कर लें तो वो एक सेट बन जाता है। तो जिस तरह से नेचुरल नंबर्स का सेट हमने देखा था, नेचुरल नंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू जो भी है, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट हम इसे कह देते हैं, ठीक है। या कोई और नंबर यानी कि ए सेट मैं कह देता हूँ कि ए सेट जो है वो सिर्फ 1, 2, 3 सिर्फ इतने सेट्स हैं, इतने एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है। तो ये सेट्स हैं, ठीक है। तो अब इनमें से यानी कि ग्रुपॉइड इन बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं, सिर्फ ये दो नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिए हैं। तो इनमें से कौन से सेट जो है वो ग्रुपॉइड होंगे और कौन से नहीं होंगे, ये हमने देखना है, ठीक है। तो ग्रुपॉइड ऐसे सेट होते हैं जिनमें यानी कि वो क्लोज्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑपरेशन, ठीक है। और क्लोज होना क्या होता है, ये हम जो है बाइनरी ऑपरेशन में देख चुके हैं कि किसी भी ऑपरेशन के अंडर कौन से सेट्स जो हैं वो क्लोज होते हैं, किस तरह से क्लोज होते हैं। चलें अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो हम इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जो एग्जांपल हमने बाइनरी ऑपरेशन में भी ली थी वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूँगा कि सपोज एक सेट है हमारे पास ई कॉमा ओ, मतलब ई रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर्स को और ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड नंबर्स को, ठीक है। मतलब इसमें इवन नंबर्स भी आ जाते हैं ऑड नंबर्स भी आ जाते हैं। तो उसके बाद हमने क्या एक टेबल बनाया था कि एडिशन का यानी कि ऑपरेशन लिया था हमने, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है इवन लिया था हमने, यहाँ पर ऑड लिया था, यहाँ पर भी इवन और ये ऑड। उसके अलावा इसका रिजल्ट इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, ऑड प्लस इवन ऑड होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है। तो ये हमारे पास यानी कि एक सेट बन जाता है या टेबल बन जाता है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का। तो यहाँ पर ये तो टेबल हमने बना दिया। अब ये क्या ग्रुपॉइड है या नहीं है, ग्रुपॉइड की मैंने क्या कंडीशन बताई है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। यानी कि अभी हम एडिशन की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सेट क्लोज्ड होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं देखूं कि इनमें से कोई भी यानी कि ले लूं ई और ओ ले लूं, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं कि ये सपोज ए या बी, बी सेट ये है तो बी क्रॉस बी का सेट हमने देखा था, ठीक है, वो क्या होता है ई कॉमा ई, एक यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स में इसको लिख दिया जाता है, ठीक है, ई कॉमा ओ, उसके बाद ओ
कॉमा ई ओ कॉमा ओ, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से कोई भी आप ऑर्डर्ड पेयर उठाएं, ठीक है, इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाएं, सपोज मैं उठा लेता हूँ जी सेकंड वन, यानी कि ई कॉमा ओ मैं उठा लेता हूँ, तो ई कॉमा ओ, ई कॉमा ओ है। अब इसके दरमियान हमने ऑपरेशन कौन सा देख रहे हैं हम, एडिशन का, तो यहाँ पर ऑपरेशन आप परफॉर्म करें ई कॉमा ओ किसके इक्वल आता है, ओके आप टेबल से देख सकते हैं, या आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि इवन नंबर और ऑड नंबर को आप ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट में ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट यानी कि ऑड आ रहा है, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो आपके सेट में मौजूद है या नहीं है, ये देखें ये मौजूद है, ओ तो इसका मतलब ये है कि आपका सेट जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, मतलब कि जो रिजल्ट आता है उसको आपने चेक करना है कि क्या उसी सेट में मौजूद है, अगर तो रिजल्ट सारे मौजूद आते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपका सेट जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेट है हमारे पास बी सेट जिसमें एलिमेंट्स ई और ओ हैं इवन और ऑड, वो एक ग्रुप पॉइड है। ठीक है, तो चलें हम इसमें जो है कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी कंडीशन क्या है कि ए क्लोज सेट ए, या इसकी डेफिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं, ए क्लोज्ड सेट विद रेस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन, विद रेस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे हमने एडिशन की बात की थी, ठीक है, तो इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, यूनियन, डिवीजन, इंटरसेक्शन वगैरह कोई भी यानी कि ऑपरेशन हो सकता है, तो इस वजह से मैं यहाँ जनरल उसका जिसे डिनोट किया जाता है ऑपरेशन को, मैं ये लिख रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन को। ठीक है, इस कॉल्ड अ ग्रुपॉइड, इस कॉल्ड अ ग्रुपॉइड। अच्छा, ये तो ग्रुपाइड हमने एग्जांपल के साथ भी समझ लिया और इसको इसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली। ठीक है, ग्रुपाइड होता क्या है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म जो हमने देखी थी लिखी थी नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव और नॉन एबिलियन, नॉन एबिलियन सेट। ठीक है, ये कौन सा सेट होता है जी, ये सेट नाम से जाहिर है नॉन कम्यूटेटिव होता है, मतलब उस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, उसको नॉन कम्यूटेटिव या फिर नॉन एबिलियन सेट भी कहा जा सकता है। तो इसको भी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि चलें एक मैं सेट ले रहा हूँ यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स का, या फिर चलें इंटीजर्स का हम सेट ले लेते हैं, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि एक नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास, नेचुरल नंबर, इसमें हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि ये सारा जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है। इसमें से अब ऑपरेशन हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो 4 और 2, इसमें से मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ 4 और 2, और इनमें हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, 4-2 का रिजल्ट 2 है, तो ये तो लाई कर रहा है। ठीक है, और इसका ऑर्डर आप चेंज करें, क्योंकि कम्यूटेटिव की बात हो रही है तो ऑर्डर की बात होती है, ऑर्डर आप चेंज करके देखें तो रिजल्ट क्या आता है, -2। ठीक है, ये इसमें लाई नहीं कर रहा, मतलब कि अब हम कहेंगे कि ये क्लोज नहीं है। ठीक है, और इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही, डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि ये नॉन कम्यूटेटिव या नॉन एबिलियन सेट है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये नॉन कम्यूटेटिव भी हो गया। उसके बाद हम सेमी ग्रुप पे आते हैं, सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप जिस तरह से ग्रुपॉइड की कंडीशन थी उसी तरह से सेमी ग्रुप की भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन तो वही सिंपल वही है कि इट इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करें, एडिशन के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से, किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आप देख रहे हैं तो इट शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन। ठीक है, तो किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से वो क्लोज होना चाहिए सेट। उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है कि
द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है सर, जब भी ये दोनों कंडीशंस यानी कि एग्जिस्ट कर जाएं या वेरीफाई कर जाएं तो आप उस सेट को कह सकते हैं कि ये सेमी ग्रुप है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो इसलिए मैं नेचुरल नंबर्स को ही लूँगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अप टू 7। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब इस पर हम एडिशन का परफॉर्म करके देखते हैं। नेचुरल नंबर को हम पहले देख चुके हैं कि ये क्लोज्ड है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, इसमें से मैं कोई भी यानी कि n क्रॉस n, चलें पहले बना लेता हूँ एक और सेट n क्रॉस n जिसमें पेयर्स आ जाते हैं 1, 1, ठीक है, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से, ठीक है, 2, 1, 2, 2 एंड सो ऑन। इस तरह के सारे यानी कि एन क्रॉस एन हमें बनाने पड़ते हैं और उसमें से ऑर्डर्ड पेयर्स हम कोई भी उठा सकते हैं। चले हम इसमें से ले लेते हैं 1, 3, ठीक है, ये ऑर्डर उठा लेते हैं 1, 3, 1 और 3 जो हैं दो एलिमेंट्स हैं। इस पे हम अब एडिशन का जो परफॉर्म करना है ऑपरेशन, 1 + 3 इज इक्वल टू आएगा 4, जो कि आप देख सकते हैं कि आपके सेट में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसके रिजल्ट से, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आया है तो ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, पहली कंडीशन तो यहाँ पर वेरीफाई होगी। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन भी देखनी है कि ये जो है द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, चले हम कोई भी यानी कि तीन एलिमेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ से हम तीन एलिमेंट्स को ही उठा लेते हैं। सपोज मैं 2, 4 एंड 5 उठा लेता हूँ। ठीक है, 2, 4 एंड 5 और ऑपरेशन हम एडिशन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि, अच्छा ये तो है एडिशन का ऑपरेशन के, अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि आप या तो पहले दो एलिमेंट्स को सम कर लें उसके बाद थर्ड एलिमेंट उसमें ऐड करें। ठीक है, यानी कि पहले दो एलिमेंट्स के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका जो है उसका, और जो लास्ट में आपके पास जो एलिमेंट बचा है उसके साथ उसका ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, या फिर आप आखिरी दो का पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, यानी कि इस केस में ऑपरेशन एडिशन है तो हम कहेंगे कि आखिरी दो की एडिशन कर लें उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर लें पहले एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो रिजल्ट दोनों का सेम आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलें हम चेक कर लेते हैं, 2 + 4 = 6 + 5। ठीक है, 6 + 5 क्या होता है, 11। अब हम राइट साइड भी चेक कर लेते हैं, 2 + 4 + 5 = 9 होता है, 9 + 2 क्या होता है, 11। यानी कि दोनों केस में रिजल्ट सेम आ रहा है 11, चाहे आप पहले दो को ऐड करें पहले, यानी कि ऑर्डर उसका चेंज करके आप देख लें एडिशन का, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कर रही है। तो ये थी दूसरी कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन हमने चेक कर ली थी कि क्लोज्ड है सेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और दूसरी में हमने चेक कर लिया कि उसी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से वो सेट जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। ठीक है, तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो अब हम नेचुरल नंबर के सेट को कह सकते हैं कि ये सेमी ग्रुप है। ठीक है, सेमी ग्रुप की भी आपको अब समझ आ चुकी है। अब हम आगे आते हैं एक और यानी कि हमारे पास जो टर्म है मोनॉइड की, मोनॉइड क्या होता है, जिस तरह से सेमी ग्रुप और ग्रुपॉइड, ठीक है, इन सब की कंडीशंस थी, इसी तरह से मोनॉइड की भी अपनी एक कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं इसमें। ठीक है, पहली दो कंडीशंस तो सेमी ग्रुप की हैं, वो कौन कौन सी थी, पहली कंडीशन थी कि सेट जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, शुड बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से वो, विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से वो क्लोज्ड होना चाहिए। फिर उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आगे बात हम करेंगे दूसरी कंडीशन की, कि ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, द ऑपरेशन
यानी कि उसका साइन मैं डाल देता हूँ साथ में, ठीक है, इज एसोसिएटिव। अगर यहाँ तक की बात करें इतनी दो कंडीशंस की, तो ये सेमी ग्रुप की कंडीशंस बनती हैं। इसमें अगर हम थर्ड कंडीशन भी ऐड कर लें, जो कंडीशन है इट हैज़ एन आइडेंटिटी, इट हैज़ एन आइडेंटिटी, ठीक है, अगर ये कंडीशन भी ऐड कर लें तो ये एक बन जाता है मोनाइड। यानी कि ये तीनों कंडीशंस अगर लाए कर रही हों किसी एक सेट में, तो वो सेट मोनाइड कहलाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा सेट है, चलें हम देख लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे, यानी कि आगे सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो या फिर हम इसे कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और उसका अगर यूनियन आप ले लें ज़ीरो के साथ, यानी कि एक सेट जिसमें ज़ीरो एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, तो ये यानी कि हम इसको कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये सेट बनता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फिर एलिमेंट्स बनेंगे, इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो हमने ऐड कर दिया, बाकी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है ये, तो क्योंकि इसकी कोई लिमिट अब डिफाइन नहीं की गई, ठीक है, ये आगे चलता जा रहा है। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मैंने यहाँ पर सेट लिख दिया। अब आप इस पे कंडीशंस चेक कर सकते हैं क्लोज्ड की, ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट से आप चेक करें तो क्या होगा कि चलें कोई भी हम एलिमेंट्स उठा लेते हैं, चलें 0 और 5 उठा लेते हैं, ठीक है, 0 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5, तो ये लाई कर रहा है आपके इस सेट में, तो पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अब नेक्स्ट कंडीशन के एसोसिएटिव, तो कोई भी 3 एलिमेंट्स आप उठा लें, ठीक है, तो क्योंकि बाकी ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, चलें हम यहाँ कर भी लेते हैं कि 1, 5 एंड 7, ये चलें मैं 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, 1, 5 और 7, ऑपरेशन हम एडिशन का परफॉर्म कर रहे हैं, 1 प्लस 5 प्लस 7, पहले हम पहले दो को करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सेकंड को चेक करेंगे। अब इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए, चेक कर लेते हैं, 6 प्लस 7 और 1 प्लस 7 प्लस 5 क्या होता है 12, तो 6 प्लस 7 इज़ 13, इसी तरह से 1 प्लस 12 इज़ 13, ठीक है, मतलब कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख सकते हैं यहाँ पर होल्ड कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ये सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी यहाँ से, ठीक है। अब हम थर्ड कंडीशन के ऊपर आते हैं, इट हैज़ एन आइडेंटिटी, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी मौजूद होनी चाहिए। ऑपरेशन हम कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन का, ठीक है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो है तो वो तो इस सेट में मौजूद है, तो फिर मतलब कि ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो क्या है, मोनॉइड है, ठीक है। तो ये मोनॉइड की साथ में डेफिनेशन भी होगी, और उसको हमने एग्जांपल के साथ समझ भी लिया। अब हम फाइनली अपने टॉपिक पर आते हैं, मतलब के ग्रुप्स पे, ग्रुप्स हमने देखना था क्या होता है, ठीक है, ग्रुप्स में मोनॉइड से एक ज़्यादा जो है वो कंडीशन ज़्यादा है, ठीक है, मतलब के पहली 3 कंडीशंस मोनॉइड वाली हैं कि सेट जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, सेट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी मोनॉइड की, कि एसोसिएटिव होना चाहिए, द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, और थर्ड वन क्या कंडीशन थी,
थर्ड वन कंडीशन थी कि सेट हैज एन आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी एलिमेंट आप कह लें, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, यानी कि अगर हम बात कर रहे होंगे एडिशन की ऑपरेशन की, तब एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, अगर हम बात कर रहे होंगे मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन की, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसमें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका थर्ड का ये मतलब है। अच्छा, उसके बाद एक और इसमें कंडीशन आ जाती है, वो ये है कि एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट यानी कि जिस सेट की हम बात करें कि वो ग्रुप है या नहीं है, उसके बारे में डिस्कस हम कर रहे हैं, तो वो उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज इनवर्स, उसका इनवर्स मौजूद होना चाहिए, ठीक है, इन दैट सेट, इन दैट सेट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। मतलब कि अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स मौजूद होना चाहिए, अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट से देख रहे हैं कि ये सेट ग्रुप है या नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैं कह रहा हूँ, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसमें मौजूद होना चाहिए। तो चलें हम देखते हैं कौन सा ऐसा सेट है जिसमें ये चीज़ें मौजूद होंगी, चारों कंडीशंस वो सेटिस्फाई करेगा। एक सेट मैं यहां पर लिखता हूं, एक सेट है हमारे पास वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, इसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं, एस सेट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस पे हम ये जो है ये ग्रुप है, ठीक है, मैंने तो वैसे ही कह दिया ना कि ये ग्रुप है, हम तो इसको चेक करेंगे, ये सारी कंडीशन जो ऊपर हमने लिखी हैं चार की चार, ये हम इसको चेक करेंगे। किस तरह से चेक करेंगे, चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसका जो है टेबल मैं बना लेता हूँ, या बल्कि इसको इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं कि पहली कंडीशन क्या है जी, पहली कंडीशन है इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, ठीक है, इस पे मैं मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो सबसे पहली कंडीशन जो है इस क्लोज्ड, क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है, कोई से भी चलें पहले मैं एस क्रॉस एस मैं फाइंड कर लेता हूं, यानी कि इसको ऑर्डर्ड पेयर में मैं लिख लेता हूं, ठीक है, वन कॉमा वन, वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा माइनस आयोटा, बल्कि आयोटा, वन कॉमा माइनस आयोटा, उसके बाद माइनस वन कॉमा आयोटा, या वन, ठीक है, माइनस वन कॉमा आयोटा, माइनस वन कॉमा माइनस आयोटा, ठीक है, इस तरह से यानी कि सो ऑन कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास जो है ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं, इनमें से आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाएं, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर उठाएं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें, तो वो उस सेट में हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास कोई सा भी यहाँ से हम उठा लेते हैं, कोई ऑर्डर्ड पेयर, सपोज मैं वन कॉमा माइनस आयोटा उठाता हूँ, ठीक है, वन और माइनस आयोटा, इसके ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें तो रिज़ल्ट में आपके पास क्या आ रहा है, माइनस आयोटा आ रहा है, ठीक है, माइनस आयोटा। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये माइनस आयोटा जो है आपके सेट में मौजूद है, ठीक है, यानी कि ये जो रिज़ल्ट आया है ये आपके सेट में मौजूद है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी
फर्स्ट कंडीशन जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। अब क्या है कि सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर करेगी आप एडिशन से परफॉर्म करें, बल्कि हम जब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से इसको चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी तीन एलिमेंट्स आप उठा लें, उनको मल्टीप्लाई करें। तो चलें हम कर लेते हैं कि वन है, ठीक है, आयोटा है और माइनस वन है, ये तीन मैंने एलिमेंट्स उठा लिए। तो इसी तरह से वन, आयोटा और माइनस वन है, इन तीनों को अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पर कर दिया। उसके बाद क्या है कि हम पहले दो एलिमेंट्स के अराउंड में ब्रैकेट लगा देता हूँ और राइट साइड पे मैं आखिरी दो एलिमेंट्स के अराउंड ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ये आयोटा इंटू माइनस वन आ जाएगा और ये वन इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा और रिजल्ट में दोनों साइड पे माइनस आयोटा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड कर रही है, तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर वेरीफाई होगी, पहली भी होगी, दूसरी भी होगी। अब हम थर्ड वन पे आते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन का हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें मौजूद होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इस सेट में देख सकते हैं कि वन मौजूद है, तो वन क्या होता है, वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो यानी कि थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। अब लास्ट कंडीशन पर आते हैं, मतलब यहाँ तक तो है कि ये मोनॉइड है, ठीक है। अब हम ग्रुप के लिए हम देख रहे हैं, तो इसकी लास्ट कंडीशन भी हम देखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज़ इनवर्स इन दैट सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि आप चेक कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का, मतलब वन का, माइनस वन का, आयोटा का, माइनस आयोटा का, सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो वन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, वन ही होता है, ठीक है। वन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आप चेक करें, वन ओवर वन इज इक्वल टू वन होता है। आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वन ओवर आयोटा, आप इसको आयोटा और आयोटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वेयर जो कि है आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस वन, यानी कि माइनस आयोटा। तो आप चेक कर सकते हैं कि माइनस आयोटा जो है इसमें मौजूद है, ठीक है। तो हर एक यानी कि एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें मौजूद है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सेट जो है जिसमें एलिमेंट्स हैं वन, माइनस वन, आयोटा और माइनस आयोटा, ये एक ग्रुप है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ग्रुप है, हम यहाँ से प्रूव कर चुके हैं। तो ग्रुप की डेफिनेशन भी यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जिसमें ये चार जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं जिस सेट पे, वो ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और अगर पहली तीन सेटिस्फाई होती हैं तो वो मोनॉइड कहलाता है। उसके अलावा अगर पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो सेमी ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है इसमें से, तो वो क्या कहलाता है, वो ग्रुप पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये सब यानी कि आपको टर्म्स भी आनी चाहिए, उसकी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए, हर एक की कंडीशन भी आनी चाहिए, और विद एग्जांपल हमने यहाँ पर इन सब चीज़ों को हमने समझा। तो यहाँ पर लेक्चर का टाइम भी काफ़ी ऊपर हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में इस जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे।